अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज लाइव आने का मकसद ये है, जैसे मैंने आवाज़ उठाया था वो बच्ची जो लोगों को कूपन नहीं मिला था दर्द मन से, तो उसके लिए आवाज़ उठाया था। उसके बाद अंजुमन के कुछ पेड मीडिया लोग है जो उस दिन से आज तक मेरे को फोन लगा के अननोन आईडी बना के फेक आईडी बना के गाली गलौच कर रहे, फ़ोन लगा के अननोन नंबर से इससे उससे फ़ोन लगा के गाली गलौच कर रहे। और जब मैंने मुफ्ती मुजफ्फर का भी डाला हूँ, जो है हक का बोलता रहूँगा मैं। और हाँ, एक चीज़, डराने की धमकाने की कोशिश मेरे को मत करो, मैं किसी के बाप से डरता नहीं। पहली बात, तुम अगर कितने बड़े गुंडे हैं, तुम कितने बड़े दादा है, वो तुम्हारे घर पे, समझे। और डराने की धमकाने की कोई कोशिश मत करो, मुझे किसी से डर नहीं है। और हाँ, ये गाली गलौज, ये फेक आईडी बना के कमेंट्स करना, फेक आईडी बना के मैसेज करना, फेक आईडी से फ़ोन करना, ये सब बंद कर दो भाई। नहीं तो सीधी बात है मेरी, अगर ये बंद नहीं हुआ तो मैं अंजुमन दर्दमन पे कंप्लेन करूँगा, ऑफिशियली कंप्लेन रहेंगी मेरी कि ये लोग ने मेरे को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से ये लोग मेरे को टॉर्चर कर रहे। हर बार फ़ोन, मेरे को दूसरे काम भी है, तुम्हारे फ़ोन, अननोन नंबर से फ़ोन आते, फेक आईडीज बना के, जो पेड मीडिया है अंजुमन दर्दमन की, जो भी पेड मीडिया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम मुफ्ती साहब को सपोर्ट करो, मुफ्ती मुजफ्फर को सपोर्ट करो, तुम अंजुमन को सपोर्ट करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। और मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है अंजुमन से, जो कर रही है बॉडी, जो लोग वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, उसके आगे मैं बोलूँगा, बोलते रहूँगा। मैं किसी के बाप से डांटता नहीं, पहली बात। मेरे को डराने की कोशिश मत करो, समझे। अभी तक मैं दायरे में हूँ, दायरे से बाहर जाने की मेरे को ये मत करो, मजबूर मत करो मुझे। हाँ, नहीं तो मजबूरन मेरे को गवर्नमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, मजबूरन गवर्नमेंट का सहारा लूँगा मैं, अंजुमन दर्दमन पे कंप्लेन करूँगा, क्योंकि ये तुम्हारी पेड मीडिया है, मेरे को गाली गलौज कर रही है, मेरे को अनलिमिटेड कॉल कर रही है फेक आईडी बना के, तो मैं सुनूंगा नहीं। मैं दर्दमन पे कंप्लेन कर दूंगा, मैं सीधा दर्दमन पे कंप्लेन कर दूंगा ऑनलाइन, जो भी है ऑफिशियली, और फिर जो भी है कार्रवाई हो जाएंगी। ये सब स्टॉप करो, मैं सीधी बात है, मैं किसी को कुछ, मैं जो गलत हुआ है उसके ऊपर बोला हूँ और मैं बोलता रहूँगा। और हाँ, मेरे लाइव में कभी आप लोग ने कभी गाली गलौज सुने नहीं होंगे, लेकिन आई एम सो सॉरी, अभी आज गाली थोड़ा सुनना पड़ेगा। जो भी गांव का आदमी है, जो भी है मेरे बारे में गलत बताता है, मैं गलत हूँ, ख़राब हूँ, जो भी एक्स वाई जेड है, तो वो तो सामने कभी ना कभी आएगा, तो तेरी माँ चोदूंगा रे, तेरे को काट डालूंगा रे, तेरी माँ की चूत, तेरे भड़वे अवकात नहीं है ना, तो पीछे बोल सकता, पीछे भोग सकता, गांड रंडी की औलाद है क्या तू, तेरी माँ की चूत तू, भड़वे बोलने का है ना, तो सामने आके बोल गांडू। तू दर्दमन को सपोर्ट कर, तू अंजुमन को सपोर्ट कर, तू मुफ्ती को कर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, गलत है उस पर बोलूँगा। और मेरी बुराई कर रहा ना, तो उन लोग को बोल रहा ऐसा आदमी है वैसा आदमी, तो तेरी बहन को सुलाया था मेरे साथ, तेरी माँ को सुलाया था मेरे साथ, तेरी माँ चोद डाल दूंगा, नाम मालूम पड़ेगा ना, उस दिन तेरी माँ नहीं ना चोदा तो दूसरी बाप की औलाद है, तेरी माँ चोद डाल दूंगा मैं, समझा ना। हरामखोर कौन है क्या मालूम, कौन सी नस्ल का है, बहन चोद साले तू, तेरी माँ चोद डालूंगा। और भाई, मैं कभी गाली गलौज देता नहीं हूँ लाइफ पे, लेकिन मजबूरन उसकी माँ चोदना है मेरे को, कौन है वो माँ चोदूंगा मैं, उसको मालूम करूँगा ये हरामी कौन है, हरामी का पिल्ला, नाजायज औलाद किसकी है ना, जो पीछे गांड मरा रही अपनी माँ चुदा रहे। तुमको जिसको सपोर्ट करना करो ना, बेंचो दूसरे को बदनाम काय को कर रहे, तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारी, समझे ना, तुम्हारी माँ का भोसला तुम्हारे, मालूम पड़ेगा तो तेरी माँ चोदूंगा। अल्लाह हाफिज़।